दोस्तों ऐप्स बनाने की सीरीज की टिप्स नंबर 5 में लेके आ गया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरटेस्टियल ऐड या बैनर ऐड को कैसे लगा सकते हैं। साथ ही मैंने आपको क्लॉक सेंसर के बारे में बताया कि क्लॉक सेंसर के साथ इंटरटेस्टियल एड्स को बार बार कैसे शो करा सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए मैं किसी एक ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ एक्सपेरिमेंटल में। तो आपको यहाँ पे दो तरह की ऐप्स मिल जाएगी, एक बैनर ऐड और एक इंटरटेस्टियल ऐड। तो आप जो भी एड्स को यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बैनर एड्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मैं बैनर एड्स को ड्रैग करके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐप्स रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। चलिए मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे साइजिंग, आप साइजिंग में फिक्स के जगह रिस्पॉन्स कर दे तब आपकी एड्स अच्छे से शो करेगी। तो आप बैनर एड्स को ड्रैग करके आप जहाँ भी इसे ड्रॉप करना चाहते हैं वहाँ पर ड्रॉप कर ले। चलिए मैं सबसे नीचे इसे ड्रॉप कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसकी एड यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए मैं एड्स यूनिट को कॉपी कर लेता हूँ। तो बैनर एड्स के लिए बैनर एड्स यूनिट ही कॉपी करें, तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि एड्स यूनिट को कैसे जनरेट करते हैं और एड मोब क्या है, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ कि आप एड यूनिट कैसे जनरेट करते हैं और एड मोब पर कैसे नए अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखे हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लिया और ऐड यूनिट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसे आप टेस्ट बोर्ड से हटा लें। उसके बाद विजुअल की ऑप्शन आती है, अगर आप चाहते हैं कि यह तक इसमें ऐड ना आए तब तक यह शो ही ना करे, जैसे कि मान लीजिए यूजर के इंटरनेट ही ऑफ है तो बैनर ऐड तो लोड होगा नहीं, तो उस समय आप चाहते हैं कि इसे हाइड रखें, तो आप यहाँ से इसे विजुअल से ट्रिक हटा सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गायब हो चुका है। और ठीक इसी तरह से आप एड मोब इंटरटेस्टियल यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लें और इसमें भी आपको एड यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं इंटरटेस्टियल के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ से देख सकते हैं टेस्ट मोड इसे आप फिर से हटा लें। तो अब चलिए अब ब्लॉक में चलते हैं। तो जैसे ही स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगा तो यह एड मोब बैनर को लोड कर लेगा। उसके बाद जब यह लोड हो जाएगा तो यह तो हाइड था, तो इसे हम लोग कर देते हैं विजुअल ट्रू। अब उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन ऑन होते ही इंटरटेस्टियल ऐड भी शो करे, तो आप इंटरटेस्टियल ऐड लोड ये भी लगा सकते हैं। तो ये तो थी इंटरटेस्टियल के लिए सिंपल। अगर आप चाहते हैं टाइमिंग के अनुसार 1 मिनट या 30 सेकेंड बाद यह शो करते रहे, तो इसके लिए आप क्लॉक सेंसर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लॉक ले लेता हूँ और यहाँ पे ms दिया हुआ है यानी कि मिली सेकेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे 30,000 मिली सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड। अब उसके बाद चलिए ब्लॉक में चलते हैं। क्लॉक जैसे ही टाइमर होगा यानी कि क्लॉक स्टॉप होगा, उसी तरह इंटरटेस्टियल ऐड यह शो करेगा और हर एक 30 सेकेंड बाद यह शो करते रहेगा। आप यहाँ से टाइम इसके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ऐप्स ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इंटरटेस्टियल ऐड भी आ गया। चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूं और साथ में आप देख सकते हैं नीचे भी एक एड्स आ गई है। अब 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं 30 सेकंड बाद फिर से एक एड्स यहां पे चलने लगी है। चलिए मैं इसे फिर से क्लोज कर देता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जान चुके हैं कि बैनर ऐड को और इंटरटेस्टियल ऐड को सही ढंग से ऐप्स में कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल कोई सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।